सो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी फील्ड सर्जन एंड बर्ड कंसल्टेंट। और डॉक्टर राहुल बर्ड केयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि सर बर्ड के बारे में आप स्पेशल अलग चैनल बनाइए और बर्ड की जो पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप हमें इसमें दीजिए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नई जो इन्फॉर्मेशन है आप बिल्कुल कभी मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे सीजनल चेंज जैसे भी हो जाता है तो बर्ड को टेम्परेचर कभी कभी आ जाता है। तो हमें काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें बर्ड में अगर टेम्परेचर आ जाता है, उसको फीवर आ जाता है, तो उसके हमें ट्रीटमेंट किस तरह करवानी है और इसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि जो बर्ड होते हैं उन्हें टेम्परेचर आता है तो वहाँ पर वो कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें पता करना चाहिए कि जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो एनिमल्स में जनरली नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 101 से लेकर 102.5 तक होता है, लेकिन बर्ड का जो भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये 106 से लेकर 109 तक होता है। सो 107 टेम्परेचर अगर का बर्ड का है तो नॉर्मल है, लेकिन फ्रेंड 109 के ऊपर अगर बर्ड का आपका टेम्परेचर अगर जा रहा है तो आपको वहाँ पर समझना चाहिए कि बर्ड को वहाँ पर फीवर हुआ है। और जनरली ये नॉर्मल जो आपके थर्मामीटर का टेम्परेचर रहता है इसे आप ये माप बिल्कुल भी नहीं सकते। तो आपको उसके लिए क्या करना है, सो फ्रेंड बर्ड में टेम्परेचर है हमें कैसा पता चलेगा, तो उसमें क्या करना है, आपको जस्ट बर्ड का जो पंख होता है ऊपर उठाना है और इस तरह से डिजिटल थर्मामीटर आता है तो वहाँ पर आपको जस्ट स्ट्रक करके देखना है कि आपके बर्ड का टेम्परेचर यहाँ पर कितना है क्या है। तो इससे बहुत ही इजी तरीके से आप आपके बर्ड का टेम्परेचर आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद इसमें बर्ड को साइंस कौन से होते हैं। देखिए, जनरली जब भी बर्ड को टेम्परेचर होता है तो बर्ड फूल कर बैठ जाता है, यानी उसकी ये नेक जो होती है पीछे में अपने पंखों में इस तरह से अंदर डाल के बर्ड बैठना यहाँ पर स्टार्ट करता है। बर्ड को शिवरिंग यहाँ पर काफ़ी स्टार्ट हो जाता है और बर्ड के जो पंख है ये बाहर इस तरह से करके बर्ड बैठने की कोशिश करता है। बहुत बार इसमें बर्ड को कफिंग भी चालू हो जाती है, उसके बाद आइज में से डिस्चार्ज चालू हो जाता है। बर्ड यहाँ पर खाना पीना बुरी तरह से यहाँ पर बंद करा देता है। कभी कभी बर्ड को इसमें डायरिया भी लग जाता है। बर्ड की जो आवाज़ होती है आवाज़ काफ़ी कम होती है, हम उसको आवाज़ देते तो रिएक्ट करना यहाँ पर बंद कर देता है। जब भी बर्ड को टेम्परेचर आता है तो बर्ड के जॉइंट्स में पेन काफ़ी होता है, उसमें नेक के मसल में पेन होता है, तो नेक जो होती है कहीं तो भी रेस्ट करने की वो वहाँ पर कोशिश करता है। और जनरली जो बर्ड काफ़ी वीक हो जाते हो नीचे आके केज में वहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, इसमें कफिंग भी होती है, इसमें स्नीजिंग भी होती है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, तो ट्रीटमेंट पार्ट जो भी होता है वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले चीज़ क्या नहीं करना चाहिए, देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन यहाँ पर नहीं देनी है। जनरली छोटे जो बर्ड्स होते हैं उसमें डाइक्लोफिनिक टॉक्सिड हो जाती है, तो आपको जब भी फीवर आता है ह्यूमन में डाइक्लोफिनिक काफ़ी यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये डाइक्लोफिनिक बिल्कुल भी नहीं यूज़ करवानी है। दूसरी चीज़, छोटे बच्चों में पैरासीटामोल यहाँ पर बिल्कुल नहीं यूज़ करवा रहे। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बर्ड काफ़ी नेचुरल होते हैं, इन्हें थोड़ा भी डोज अगर आप ज़्यादा हो जाता है तो उसमें बर्ड की इमीडियट डेथ हो जाती है। तो हमें आपको यहाँ पर दोनों भी चीज़ें यहाँ पर अवॉइड करनी है। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो हमें बहुत ही नेचुरल चीज़ जो आयुर्वेदिक होती है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपकी डोज भी ज़्यादा हो जाए तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसी मेडिसिन हमें यूज़ करवाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर हिमालय कंपनी की सबसे अच्छी बर्ड के जो मेडिसिन होती है हीमपायरिन करके आती है इस तरह से, ठीक है। तो हीमपायरिन जो है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें डोज कैसा होता है, तो छोटे जो बर्ड है छोटे बर्ड में आपको ये 2 ड्रॉप 2 टाइम कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग कीजिए, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है फीवर ज़्यादा है तो आपके 3 टाइम भी कर सकते हो, साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद फ्रेंड, बड़े जो बर्ड है बड़े बर्ड में आपको ये हीमपायरिन के जो डोज होते हैं स्पेशली अलेक्जेंडर बड़े पैरट से, उसके बाद आपके पास रिंग नेक पैरट है या फिर नॉर्मल पैरट्स अगर है, पीच फेस पैरट है, इसके जो एडल्ट हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं, तो उनमें आपको 4 ड्रॉप मॉर्निंग इवनिंग करवानी है। अगर इसमें फीवर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें 3 टाइम भी कर सकते हो, ये आपको करवानी है। दूसरी चीज़, फीवर ही ना लगे इसके लिए क्या करवाना है, तो आपको जो केज जो होता है केज हमेशा साफ सुथरा बहुत अच्छी तरह रखें, वीकली ट्वाइस आपको केज को अच्छी तरह से धोना है वहाँ पर, इसके लिए आप डेटॉल भी इसमें यूज़ कर सकते हो। नीचे जो भी मटेरियल पड़ा रहता है वहाँ पर तो आपको डेली मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम भी उसका जो नीचे जो बर्ड वेस्ट जो भी मटेरियल करता है नीचे खाली ट्रे में जो पड़ा होता है आपको वो डेली 2 टाइम वहाँ पर साफ करवानी है। इसमें ट्राई कीजिए जनरली जो पेपर होता है पेपर डालने की कोशिश कीजिए, बर्ड जैसे ही उसमें जनरली ड्रॉपिंग तो काफ़ी कम होती है लेकिन बर्ड जो होते इसमें फीड जो होता है काफ़ी वेस्ट करते हैं, तो उसमें से क्या होती है फ्यूम स्टार्ट हो जाती है, प्यूट्रिफाइड होना चालू होता है और रात में उसकी फ्यूम चल के बर्ड के रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके बर्ड को वहाँ पर बीमार कराती है। तो कभी भी रात के टाइम पे आपका नीचे का जो ट्रे है बर्ड को आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर साफ रखना है। वाटर जो होता है वाटर हमेशा बर्ड को फ्रेश दीजिए, दिन में 2 बार आपको फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना है क्योंकि बर्ड वाटर बहुत ही ज़्यादा ख़राब करते हैं। मॉर्निंग का जो वाटर है इवनिंग तक वो लिटरली स्मेल करना स्टार्ट करवाता है,
तो इसलिए मॉर्निंग को जो भी वाटर है वो आपको इमिजिएटली इवनिंग में चेंज करना है। रात के टाइम वहाँ पर आपको दोनों वाटर के जो भी बॉयल्स है वहाँ से विड्रॉ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से आप जो भी बर्ड आपका बीमार हुआ है, जो टेम्परेचर उसको आके है या फिर फीवर है, इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, और चैनल्स को नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे नए वीडियो सब्सक्राइब देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। फ्रेंड्स, बर्ड्स काफी सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली छोटे बर्ड्स, तो इसमें आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करवाना है। तो जब भी बर्ड बीमार पड़ जाता है तो नियरेस्ट वेट के पास ले जाके उसे कंसल्ट करके वहाँ पर आप ट्रीटमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आपके बर्ड की अगर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो हमें नीचे दिए नंबर पर आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए या फिर डायरेक्टली टेलीफोन कॉल करके हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट लीजिए। आप हमें फोटोज भेजिए, वीडियोज भेजिए, हम यहाँ पर आपको डायरेक्टली वीडियो कॉल करके आपके घर बैठे ही यहाँ पर जो बर्ड की प्रॉब्लम है वह इजीली सॉल्व करवा देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर मेडिसिन का प्रोटोकॉल भेजेंगे, प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे डिजिटल वाला, जिससे आपकी बर्ड की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी और रिकवरी बहुत फास्ट होगी। इसके लिए आपको हमारी कंसल्टेशन फीस पेड करनी पड़ेगी, वो आप वहाँ पर व्हाट्सएप पे पेड कर सकते हो। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।